मार्केट्स में कोरोना नियमों का पालन हो ये बहुत जरूरी है। क्रिसमस न्यू ईयर पर पार्टियों पर प्रतिबंध हो ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। नाइट कर्फ्यू को लागू किया गया ये भी कारगर कदम है। शादियों में मेहमानों की संख्या निर्धारित कर दी गई है ये भी ठीक है, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि कोरोना के सारे नियम सिर्फ आम लोगों पर ही क्यों लागू होते हैं, सिर्फ दुकानें ही क्यों बंद करवाई जा रही हैं, नेतागिरी की दुकानों के शटर क्यों नहीं गिराए जा रहे, क्या हजारों की भीड़ वाले बाजारों में ही कोरोना फैलने का खतरा है, लाखों की भीड़ वाली चुनावी रैलियों में नहीं कोरोना फैलता है, क्या कोरोना सिर्फ शादियों न्यू ईयर पार्टियों बाजारों पर ही अटैक करता है, चुनावी रैलियों रोड शो पर कोरोना कोई अटैक नहीं करता। और अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ये पूछ चुका है कि ओमिक्रॉन का इतना खतरा है तो कुछ समय के लिए चुनाव टाल क्यों नहीं देती सरकार। क्या जनता की जान से ज्यादा जरूरी है चुनावी रैलियां, इस सवाल का जवाब क्या हमारे देश के महानुभाव देंगे। इस वक्त हम जनपद के मार्केट में हैं जो कनॉट प्लेस के पास है। वहां पे आपको दुकानों के ठीक ऊपर नो मास्क नो एंट्री, बिना मास्क खरीदारी नहीं जैसे बैनर्स पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मार्केट में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है जो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मास्क पहन के ही शॉपिंग करे, यानी कि पूरी एहतियात जो है उसको बरतने के लिए लगातार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो खरीदार आ रहे हैं जनपद मार्केट में उनको कह रहे हैं, साथ ही साथ COVID-19 नॉर्म्स को फॉलो कराने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के लोग अब ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क हो रहे हैं। बाजारों में अभी भी भीड़ है लेकिन पहले से कम, और अब लोगों के चेहरों पर मास्क भी। तो मैम, आप लोग शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, आज ओमिक्रॉन का खतरा है इसके बावजूद घूम रहे हैं मार्केट्स में? हम मास्क लगा के घूम रहे हैं जी, लेकिन भीड़ भाड़ तो हो ही रही है ना, जैसे यहाँ तो पे फिर है। अब ऐसा है, कभी कभार तो मार्केटिंग करनी होगी ना जी। आज छुट्टी थी तो सोचा कि यहाँ पे घूम ले, लेकिन क्राउड बहुत है तो ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, हम भी जाएंगे। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी खतरा दिख रहा है, तीसरी लहर का खतरा? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्राउड ज्यादा है इसलिए हम भी निकलेंगे, ज्यादा देर रुकेंगे नहीं जी। क्राउड काफी दिख रहा है यहाँ पर, क्राउड बहुत, इसी वजह से हम एसएन वगैरह और अवॉइड कर दिया था हमने, तो निकल ही रहे हैं। आज छुट्टी थी तो हम आज ऑफ था तो हमने सोचा चलो घूमने, लेकिन काफी क्राउड है। लेकिन मन में एक सवाल, क्या कोरोना नियमों का पालन करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ जनता के कंधों पर? क्या नेताओं को कोरोना नियमों से छूट है, जो मास्क लगाकर कोरोना पर ज्ञान बांटते हैं और मास्क हटाकर रैलियां करते हैं, ये देश की जनता जानना चाहती है। तो ये जो क्राउड हो रहे हैं इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे रैली में काफी सारे भीड़ लगते हैं तो यहाँ भी काफी सारे भीड़ है। रैली में जब 200 लोग अनिवार्य रखे हैं, जैसे शादियों में या फिर कहीं भी, या मूवीज भी बंद हो रही हैं, आप सिनेमा हॉल भी बंद हो रहे हैं, तो जहाँ पे 200 लोग क्राउड शादियों में रख रहे हैं, यहाँ पे भी रैली में भी बोले कि हाँ भाई 200 लोग 250 लोग 500 लोग रहना चाहिए, तो रैलियों में तुम भर रहे हो। विरोधाभास देखिए कि एक तरफ तो पुलिस प्रशासन बाजारों में जनता को कोरोना नियमों की घुट्टी पिला रहा है और उन्हें कानून याद दिला रहा है, तो दूसरी तरफ वही पुलिस प्रशासन चुनावी राज्यों में चल रही रैलियों में लाखों लोगों का क्राउड मैनेजमेंट कर रहा है, रैली स्थल पर पहुंचने के लिए साधन उपलब्ध करवा रहा है। कोर्ट का आदेश है, जिस किसी का जब तोड़ेगा उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। आज जिस तरह दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में पुलिस प्रशासन ने जो सक्रियता अवैध रेहड़ी पटरी वालों का सामान उठाने में दिखाई, क्या वैसी सक्रियता किसी रैली में आए टेंट कुर्सियों को उठाने में दिख सकती है? अगर नहीं दिख सकती तो फिर ये सवाल उठेगा ही कि क्या जनता और नेताओं के लिए अलग अलग नियम है। इस तरीके से अभी ये चल रहा है कि नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं यूपी में, हरियाणा में नाइट कर्फ्यू तो उन्होंने लगा दिया, पर रात को कौन निकलता घूमने के लिए? रात को तो कोई नहीं निकलता घूमने के लिए। सबसे पहला काम इनको जो करना चाहिए वो रैलियां बंद करनी चाहिए। जब मार्केट में भीड़ भड़का है इसको कम करना चाहिए, जितने बंदे जोड़ते उतने बंदे निकले, ज्यादा लोग घर से बाहर ना निकले। सबसे पहले इनको यही चीजें करनी चाहिए, रैलियां बंद करें, जो इलेक्शन वगैरह है उनको आप आगे के लिए डाल दो, क्योंकि अभी बीमारी कम है, अगर अभी कंट्रोल कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर वही घर बैठना पड़ेगा, लॉकडाउन लगेगा। जनता भूली नहीं कि कैसे जब मार्च और अप्रैल में देश कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा था, तब राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे थे और सिस्टम कोरोना के बजाय चुनावी व्यवस्था संभाल रहा था। अब जब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है,
तब राजनीतिक दलों के दिमाग में एक बार फिर चुनावी घंटियां बज रही हैं। लोग डरे भी हुए हैं और गुस्से से भरे भी। ओमनिकॉन देख के ये ऑड इवन लागू किया गया है यहाँ पालिका में, तो आपने बताया था कि क्या ये इलेक्शंस में भी होगा, होना चाहिए बट ऐसा वहाँ फॉलो नहीं होगा, वहाँ शायद ये रूल लागू ही नहीं होगा। अगर लागू होगा तो उसके बाद ऐसा कोई फॉलो नहीं होगा, क्योंकि पिछले आपने देखा था इलेक्शन हुए थे उसमें भी कोविड फैले थे, कोविड और तेजी से फैले थे बट उसमें भी उन्होंने कुछ देखा नहीं था, प्रोटोकॉल फॉलो कुछ नहीं हुए थे, ऐसी क्राउड बहुत ज़्यादा थे पिछली बार भी, तो ऐसा भी लगता है आई थिंक ऐसा कुछ होगा नहीं, वैसे नॉर्मली होगा जैसे होता रहा है पहले से। लोग ओमिक्रॉन से भले ही डर रहे हों लेकिन नेताओं की रैलियों से ज्यादा डरे हुए हैं, जिसमें उमड़ने वाली अपार भीड़ से अस्पतालों में कोरोना की भीड़ बढ़ने की आशंका तो एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। लेकिन बात तो तब है जब ये बात हमारे देश के नेताओं को समझ में आए जो फिलहाल असंभव दिखता है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।